saw a relentless barrage of rockets launched by Hamas into southern and central Israel. फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास ने इसराइल पर रॉकेट लॉन्चरों से हमला कर दिया है। 5000 रॉकेट इसराइल पर दागे गए हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और मज़ेदार वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं इसराइल और फिलिस्तीन के बीच हुए झगड़े के बारे में। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये झगड़ा आज से नहीं, बहुत पहले से ही चलता आ रहा है। 1948 में इसराइल जब अलग देश बना, तब से ही इन दोनों देशों के बीच में झगड़े चलते रहे हैं। फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास ने इसराइल पर रॉकेट लॉन्चरों से हमला कर दिया है। इसके जवाब में इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध की घोषणा कर दी है। इसराइल में सुबह 7 बजे से ही हवाई हमलों का सायरन बजने लगा। गाजा पट्टी से भारी मात्रा में रॉकेट दागे गए। बंदूकधारी सीमा पार कर रहे हैं। जवाब में इजरायली वायुसेना के दर्जनों लड़ाकू विमान अब गाजा पट्टी में कई स्थानों पर आतंकवादी संगठन हमास के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। इसराइल ने दावा किया है कि 5000 रॉकेट इसराइल पर दागे गए हैं। ब्रिटेन ने शुक्रवार को फिलिस्तीनी समूह हमास को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल ने हमास पर प्रतिबंधों की घोषणा कर दी है। issued a statement saying that the UK is committing yet another historical mistake and the UK is using the chaos in the Arab land, in the Arab countries, for the sake of bypassing some of the very critical projects that are serving the best interest of the Zionists. उन्होंने कहा कि हमास के पास खतरनाक और एडवांस हथियारों के साथ साथ आतंकवादी प्रशिक्षण फैसिलिटी तक पहुंच सहित महत्वपूर्ण आतंकवादी क्षमता है, इसलिए आज मैंने हमास को पूरी तरह से प्रतिबंधित संगठन करार दे दिया है। इसराइल के अलावा अमेरिका और यूरोपीय संघ पहले से ही हमास को आतंकवादी संगठन करार दे चुके हैं। ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने कहा कि हमास आतंकवाद अधिनियम के तहत प्रतिबंधित किया जा रहा है। इसके बाद हमास के लिए समर्थन व्यक्त करना, झंडा फहराना और इस संगठन के लिए बैठकों की व्यवस्था करना ब्रिटेन के कानूनों का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कानून की मंजूरी के लिए अगले हफ्ते संसद में बिल पेश किया जा सकता है। चलिए अब जान लेते हैं कि चरमपंथी संगठन हमास का इतिहास क्या है। फिलिस्तीन के चरमपंथी हमास का इतिहास साल 1980 से शुरू होता है। इसकी स्थापना शेख अहमद यासीन ने की थी। 12 साल की उम्र से वह व्हीलचेयर पर थे। साल 1987 में इसराइल के खिलाफ पहले इंतिफादा की घोषणा की गई। इंतिफादा का मतलब आमतौर पर बगावत या विद्रोह माना जाता है। 1988 में हमसा ने पुष्टि की थी कि इसकी स्थापना फिलिस्तीन को मुक्त करने के लिए हुई थी। इसके सशस्त्र विभाग का गठन 1992 में पूरा हुआ। साल 1993 से लेकर साल 2005 तक हमास ने इसराइल पर कई आतंकवादी हमले किए थे। 2005 में हमास ने खुद को हिंसा से अलग कर लिया, लेकिन साल 2006 में गाजा से इसराइल पर रॉकेट हमलों का सिलसिला जारी रहा। 2006 में हमास ने गाजा में तख्तापलट किया। साल 2007 में गाजा पट्टी पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। फिलहाल गाजा पट्टी में हमास की सरकार है। कनाडा, यूरोपीय संघ, इजराइल, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका हमास को आतंकवादी संगठन का दर्जा दे चुके हैं। वहीं ब्राज़ील, चीन, मिस्र, ईरान, नॉर्वे, कतर, रूस, सीरिया और तुर्की द्वारा आतंकवादी संगठन नहीं माना जाता। साल 2021 में हमास ने इजराइल रॉकेट हमले किए थे। हमास ने जेरूसलम पर लंबी दूरी के रॉकेट दागे थे। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 64 बच्चे और 38 महिलाओं समेत कम से कम 227 फिलिस्तीनी मारे गए और 1620 लोग घायल हैं। हमास और इस्लामिक जिहाद ने कम से कम 20 लड़ाकों के मारे जाने की बात कही, जबकि इसराइल का कहना है कि ये कम से कम 130 लड़ाके मारे गए हैं। वहीं करीब 58,000 फिलिस्तीनी अपने घरों को छोड़कर जा चुके थे। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम युद्ध में हैं और ऑपरेशन या राउंड में नहीं। הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחנית נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. אנחנו בתוך זה משעות הבוקר המוקדמות. हमास ने इसराइल और उसके नागरिकों पर एक जानलेवा हमला किया। दुश्मन को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम युद्ध में हैं और हम इसे जीतेंगे। वर्तमान में हमास की कमान इस्माइल हानिया के हाथ में है। अगस्त से शुरुआत में हमास में निर्णय लेने के लिए सर्वोच्च इकाई शूरा परिषद ने हानिया को 4 साल का एक नया कार्यकाल दिया था। इस्माइल हानिया हमास के संस्थापक अहमद यासीन के पूर्व सहयोगी है। यासीन की 2004 में इजरायली हवाई हमले में हत्या कर दी गई थी। 2006 में संसदीय चुनाव जीतने के बाद इस्माइल हानिया को फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया था, पर 14 जून 2007 को फतेह और हमास के बीच जारी संघर्ष के कारण
राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने हानिया को पद से बर्खास्त कर दिया था। बर्खास्त होने के बाद भी खुद को प्रधानमंत्री बता रहे हानिया ने उस समय महमूद अब्बास के आदेश को नहीं माना था। वह फिलिस्तीन सरकार से अलग होकर हमास के गढ़ गाजा पट्टी लौट गए और खुद को प्रधानमंत्री के तौर पर काम करना जारी रखा। 6 मई 2017 तक उन्होंने हमास के राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख बनने तक अपने आप को फिलिस्तीन का प्रधानमंत्री ही बताया। फतह फिलिस्तीन की सबसे पुरानी पार्टी है और राष्ट्रपति महमूद अब्बास उसी पार्टी के नेता हैं। इसराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई में जो नतीजा भुगतना पड़ रहा है वो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। हमास के लड़ाके इजरायली नागरिकों को बंदी बनाकर कहीं लेके जा रहे हैं और उनके साथ न जाने कैसा व्यवहार हो रहा होगा। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? इस चीज़ पर और अपडेट लेके मैं आता रहूँगा। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहे, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।